हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपी फ्रॉम द किचन। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्पेशल मटन करी की रेसिपी, जो बहुत ही आसानी से हम बना सकते हो। चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गरम मसाले का पाउडर बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ दो बड़े इलायची लिया है, 15 से 20 लौंग लिया है, 3 इंच की दालचीनी के टुकड़े, और इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और ये हमारे गरम मसाले की पाउडर रेडी हो चुकी है। अब हम सेकेंड स्टेप मटन को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ मैंने आधा किलो मटन लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार हम इसमें ऐड करेंगे, और फिर हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून दही, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमने मटन को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए साइड में रख देंगे। उसके बाद हम एक कुकर लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल, 2 बड़े साइज के प्याज, और इसे हम लाइट ब्राउन होने तक का अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारा प्याज हल्का सा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे जब तक का हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। तो यहाँ हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े साइज के टमाटर, और इसे अच्छे तरह से सॉफ्ट और मैशी होने तक का हम पकाएंगे। तो हमारा टमाटर अच्छी तरह से मैशी हो चुका है। अब मैं इसमें जो हमने मैरिनेट किया था वो मटन हम इसमें ऐड करेंगे, और अच्छी तरह से इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। तो इसे हमें 20 टू 25 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर कुक करना है। तो हम इसे बीच बीच में इसी तरह से चलाते हुए रहेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला जो हमने ग्राइंड किया था, और इसमें मैं 1/2 लीटर बॉयल पानी डाल रही हूँ, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे हम एक बार। और फिर हम इसे कुकर का ढक्कन लगाकर 3 विसल आने तक का हम इसे पकाएंगे। तो ये हमारा विसल आ चुका है। अब मैं इसे लिड ओपन कर लूँगी कुकर का, और फिर हम इसे वापस से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। और ये हमारा स्पेशल मटन करी रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। हम इसे एक बाउल में सर्व कर लेंगे। इसे चपाती के साथ, नान के साथ और राइस के साथ सर्व कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बनाने में भी बहुत आसान है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू।